सभी साथियों को राजवीर कुमार के राम राम भाई। साथियों आप सभी लोग जानते हैं भाई, जैसे किरावड़ के अंदर एक बहुत ही बड़ी घटना हो जाती है। एक 19 वर्षीय लड़की सपना को किडनैप करके रेप करके भाई उसका मर्डर कर दिया जाता है। उसी मामले को लेकर भाई कुछ कार्रवाई न होते देख पूरा किरावड़ गाँव जो भाई वो यहाँ पर पहुँच चुका। कैमरा मैन को दिखा दे भाई, देखिए दूर दूर तक भाई गाड़ियाँ हैं। और इधर भी दिखा भाई, ये है भाई उप पुलिस अधीक्षक तो शाम यानी कि DSP ऑफिस में जो भाई पूरा किरावड़ गांव इकट्ठा हो चुका है। साथ ही साथ भाई दिल्ली तक के जो प्रधान हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। काफ़ी सारे लोग पीछे हैं। DSP साहब से जो है भाई कमेटी बनाई गई थी कल, पंचायत हुई थी किरावड़ गांव के अंदर, आपने वीडियो देखी होगी। 11 लोगों की कमेटी बनाई गई थी, आगे भाई 11 लोगों की कमेटी बनाई गई थी। वो कमेटी जो भाई आज यहाँ पर DSP साहब से मिली है, क्या कुछ आश्वासन दिया है? क्योंकि भाई पहले भी इनको 10 दिन का आश्वासन मिला था, लेकिन 10 दिन तक कोई भी कार्रवाई भाई पुलिस प्रशासन द्वारा बताया जा रहा है कि नहीं हुई है। उसके बाद जो भाई काफ़ी सारे ग्रामीण कुछ संस्थाओं के प्रधान हैं वो भी यहाँ पर आए हुए हैं। कैमरामैन आगे आ जाए भाई, तो भाई इधर जानकारी लेंगे कि आखिर इस मामले को लेकर के DSP साहब ने क्या आश्वासन दिया है। तो यहाँ पर हमारी माताएं बहनें जो भाई वो भी इकट्ठा हो चुकी हैं। आगे आ जाए भाई कैमरामैन। तो साथियों यहाँ पर देख सकते हो आप पूरा का पूरा किरावड़ गांव और कुछ संस्थाओं के प्रधान यहाँ पर आ चुके हैं और हम इनसे बातें करते हैं भाई, आखिर क्या कुछ अल्टीमेटम इनको मिला है या इंक्वायरी बदलवानी है, क्या करवाना है। आप DSP साहब से मिले हैं आज, क्या कुछ आश्वासन मिला? मैं कमेटी का अध्यक्ष हूँ गाँव किरावड़ की। 36 बिरादरी ने कल कमेटी बनाई थी, उसको मेरा अध्यक्ष बनाया गया है मुझे। तो कल हमने डिप्टी साहब से बात की थी भी हमने आपको मिलना है, तो मिलने के लिए DSP साहब ने कहा भी आप आ जाना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, 11 बजे आ जाना। हम सही 11 बजे 11:15 बजे पहुंच गए थे। कमेटी सर कितने लोग बनी है? कमेटी 26 बिरादरी पूरे गांव की कमेटी 26 लोगों की बनाई गई है और वाल्मीकि समाज की एक अलग कमेटी बनाई है जो 11 आदमियों की कमेटी है। तो उसमें कमेटी में जो है न कल मिलने का निर्णय लिया गया था। DSP साहब का जो है इन्होंने टाइम दे रखा था 10 दिन का डिप्टी साहब ने। सर पहले प्रशासन की तरफ से 10 दिन का टाइम दिया गया था, वो टाइम भी पूरा हो चुका है, तो अब उस टाइम के दौरान क्या कुछ कार्रवाई की? अब टाइम के दौरान कार्रवाई है, जो आज टाइम ख़त्म हो गया तो 10 दिन का आज पूछने के लिए आए हैं डिप्टी साहब से। डिप्टी साहब ये कह रहे हैं जिन 6 आदमियों के नाम दिए गए हैं वाल्मीकि समाज ने दिए थे कि भाई ये 6 आदमी इन्वॉल्व हैं, तो मैंने उनको बुला लिया, मैंने हर प्रकार की उसे जांच पड़ताल कर दी, तो वो उसमें शामिल नहीं है। हम लोग बताते हैं कि भाई वो ऐसे ऐसे भाई वहाँ जा रहे थे, घर में गए थे, शक के आधार पर वो शक के आधार पर नाम दिए गए हैं। फिर वो जो घटना घटी है, जब घटना घटने के बाद ही तो वो लोग तो देखो आएंगे और जाएंगे, तो उसमें DSP साहब कहते हैं कि वो थोड़ी जरूरी थोड़ी है कि वो इन्वॉल्व होना ज़रूरी है। माँ बाप का नाम हम कहते हैं भाई माँ बाप इन्वॉल्व है, माँ बाप को कोई पता नहीं होता। कई बार माँ बाप क्या कहता है भाई अपने बच्चों को, भाई ये काम करो भाई आप, कोई माँ बाप ऐसा नहीं होता जो ये गलत काम के लिए कहता है, और वैसे भी कोई भी नहीं चाहता ऐसी बात। तो डिप्टी साहब ने जो है इंक्वायरी के लिए कर ली है जो टाइम दिया गया था, और अभी आश्वासन उन्होंने दिया कि एक पॉलीग्राफ टेस्ट कराना, जब होता है पॉलीग्राफ टेस्ट उसमें उन दोनों लड़कों का करवाया जाएगा पॉलीग्राफ टेस्ट। टेस्ट करवाने के बाद तो वो अपने आप ही बता देता है कि भाई ये आदमी इसमें शामिल है। आप अपने लोगों को तो पता नहीं है, हम गांव के लोग हैं, तो वो पॉलीग्राफ टेस्ट में जो आएगा तो उसके बाद उसकी वो कार्रवाई है। इसमें क्या निकल कर सामने आया, बातचीत अगर हुई हो, किस प्रकार से बेटी के साथ ये पूरा घटनाक्रम हुआ, क्योंकि क्रूरता की हदें पार की गई इस पूरे घटना। क्रूरता की तो हदें पार कर गई हैं, जब 16 तारीख को लड़की को किडनैप कर लिया गया है उन लड़कों द्वारा, और उसके साथ हमारे गाँव से ही कर लिया गया है। हाँ जी, गाँव से कर लिया गया है। वो दो लड़के वहीं एक किराए के मकान पे रहते थे, वहाँ गांव के थे या बाहर के थे? गांव के ही हैं, अपने ही गांव। हाँ के। हाँ, एक कुम्हारों का है और एक चमारों का लड़का है। दोनों लड़के वो ये अपना काम करते थे, क्या नाम है ये चाउमीन का, हाँ फास्ट फूड का, ये फास्ट फूड का काम करते थे, दोनों इकट्ठे रहते थे। अच्छा जी। तो इनकी ये प्लानिंग होगी, तो इन्होंने लड़की को उस दिन बरसात आ रही थी बता रहे हैं। किस समय की बात है ये? 16 तारीख की 11 बजे की करीब बात है। हाँ जी, दिन की बात है। तो लड़की को बुलाया होगा,
अब उनको पता या मालिक को पता, अब प्रत्यक्ष दर्शी भी था, किसी ने थोड़ी बहुत भी भनक लगी ना, किसी को इस बात की किसी को इस बात की भनक लगी। उस टाइम बरसात का मौसम चल रहा था, सब लोग अपने घरों में थे, तो उनको वहाँ से किडनैप कर लिया और भाई उनके साथ बड़ी ज्यादती करी, हाँ कुकर्म किया। और फिर उसके बाद उसको मार के, कैसे मारा उन्होंने कैसे नहीं मारा, अब गांव के लोगों को तो पता नहीं, उन्होंने इस बात को मान लिया है कि भाई हमने इनको गला घोट के मारा है। तो जिस प्रकार से फेस पे निशान है लड़की के, जीभ निकली, क्या और भी क्रूरता की हदें पार हो सकती हैं, जैसे कि प्राइवेट पार्ट को पूरी तरह से टॉर्चर इस तरह। अब ये देखो, ये देखो ना, ये तो अब जांच के बाद है, ये तो डॉक्टरी रिपोर्ट होती है, वो डॉक्टर रिपोर्ट जांच करते हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो अभी नहीं आई है, तो अभी पोस्टमार्टम तो 8-10 दिन के बाद आनी है, तो वो तो उस जांच में आएगा ना भाई, क्या जांच में क्या किया गया है, क्या टॉर्चर किया गया है उसके साथ। 36 बिरादरी गांव की सांझी मानी जाती थी, हमेशा ही मानी जाती है, गांव में आज भी ये माहौल है, लेकिन ये मानसिकता कहाँ से आ रही है बच्चों के अंदर कि गांव की अपनी बेटियां, छोटी छोटी बच्चियों तक को नहीं बख्शती इस प्रकार के दरिंदे, क्या सजा होनी चाहिए ताकि और भी आगे। देखो जी, पूरा गाँव यही कह रहा है कि उनको फांसी की सजा होनी चाहिए, ऐसे बच्चों को नहीं छोड़ना चाहिए, जो ऐसे गंदे काम करते हैं उनको किसी हालत में नहीं बख्शना चाहिए, तभी तो सारा गांव इकट्ठा हो गया है भाई। और कोई छोटी मोटी हरकत होती तो शायद उसको माफ़ कर भी दिया जाता, तो इतना बड़ा घिनौना अपराध किया है तो सारा गांव जो है ना, इस गांव इस बात से बिल्कुल घबराया हुआ है कि भाई ऐसा अपराध ना हो, इन आदमियों को ऐसी सजा मिले कि कल को किसी और लड़के को ऐसा बुरा काम करने के लिए उसको दो बार सोचने के लिए मजबूर होना पड़े, किसी बच्ची के साथ और हरकत ना हो। हम ये चाहते हैं, हम इसको इतनी सजा इसलिए दिलाना चाहते हैं सब गांव राम मिलके, ताकि दूसरे आदमी को भी इसका एहसास हो सके। कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है सर? अभी दो लड़कों की गिरफ्तारी हुई है। कितने लगते हैं पूरे गांव राम को, कितने लगते हैं? अब उसमें तो देखो, जांच में तो आया, उन्होंने हाँ भरी है कि हम दो ही लोग हैं, और DSP ने जाँच करी है, इसमें कोई शामिल नहीं है। अब हमने 6 आदमियों के नाम लिख रखे हैं, शक के आधार पर। हमारे बाल्मीकि समाज के लोग कहते हैं भी 6 आदमी और शामिल हैं इसमें। 6 आदमी कौन कौन? 6 आदमी, 6 लड़के हैं और साथी इनके। वो निर्दोष निकले ना, साथ हैं, वो पड़ोसी है ना, वो तो है, निर्दोष है ना, वो तो है, तो वो निर्दोष, पर हमें तो मतलब की शक लगता ही है। जाँच से क्लियर हो गया की वो शामिल नहीं है इसमें, जाँच कर ली DSP साहब। निकली है, हाँ जी, फुटेज निकली है। हाँ, फुटेज निकली है, जहाँ वो पढ़ता है, नौकरी करता है, जाता है, वहाँ भी डिप्टी साहब ने जांच करी है। डिप्टी साहब ने अपनी तरफ से तो जांच में कसर तो ऐसे तथ्य लगा रखे हैं, उसने तो पूरी कोशिश कर रखी है। जिस प्रकार से आश्वासन दिया कि पूरा न्याय जो है बेटी के साथ होगा, परिवार के साथ होगा, जिस प्रकार से कार्रवाई हो रही है, क्या परिवार संतुष्ट है? हाँ, अभी परिवार भी संतुष्ट है, परिवार से पूछा गया है, हमारी कमेटी ने पूछा है, बोलो जी कैसे आप DSP की कार्य से संतुष्ट हो? कहते हैं बिल्कुल हम संतुष्ट हैं, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं, अगर हम संतुष्ट ना होते तो शायद हम रोहतक रेंज में भी चले जाते और वहाँ अपने इंसाफ की भीख मांगते। तो हमें अभी तक तो DSP से पूरा आश्वासन मिला है, DSP अपनी कार्रवाई जो है ना ठीक ढंग से कर रहा है, ऐसे ही लगता है। देखो सारा गांव बैठा हुआ है, सारे गांव को ये लग रहा है, लेकिन कानून सबके लिए एक भी है, लेकिन सामाजिक तौर पर भी क्या इस प्रकार के दरिंदों के लिए कोई सजा का प्रावधान होना चाहिए, अगर हम सामाजिक तौर पे देखें? देखो सामाजिक तौर पे वैसे तो होना चाहिए, कई बार कानून ऐसे होते हैं कोई सामाजिक तौर पर पुनिशमेंट देता है तो उसमें फिर पुलिस भी एक्शन लेती है, तो फिर उल्टा हो जाता है, तो सामाजिक तौर पे अपने को कानून में संशोधन होना चाहिए। हाँ, कानून में संशोधन होना चाहिए। अब हम तो ये सोचते हैं भी उन्होंने हमारा मार दिया, हम उनको मार दें, तो फिर उनमें और हमारे में फर्क तो नहीं रह जाएगा कोई, फिर हम भी अपराधी हो गए, वो तो अपराधी था ही और हम भी अपराधी हो गए। बेटी की जो बॉडी है, हाँ जी, वो मतलब अंतिम संस्कार होने के बाद परिवार को पता चलता है, ये इतना लंबा टाइम पीरियड कैसे गुजरा? ये ऐसा है ना, जब हाँ, ये सबसे ज्यादा दुखदाई घटना तो यही है, जब 16 तारीख को इनके माँ बाप ने, गांव के बिरादरी के लोगों ने सूचना जाके दी है 16 तारीख को कि भाई हमारी लड़की बुआनीखेड़ा थाने में सूचना दी है कि भाई हमारी लड़की गुमशुदा है। तो लेडीज के पास केस था, एक माया और एक नीलम थी, उन्होंने ज़्यादा उसमें इंटरेस्ट नहीं लिया, केस को सीरियस नहीं लिया। तो उसमें क्या हुआ कि ये तो रिपोर्ट लिखा के आगे, अब रिपोर्ट लिखाई है तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है SHO बुआनीखेड़ा की, या वो VT करे पूरे हरियाणा के थानों में।